खुला हुआ। हनुमान मंदिर पर त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज निकाली गई भव्य कलश यात्रा, भक्तों ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। राजधानी भोपाल के अम्बेडकर नगर के हनुमान मंदिर पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन कलश यात्रा के साथ निकाली गई, जिसने बड़ी संख्या में भक्तगण सम्मिलित हुए। यह कलश यात्रा गीतांजलि चौराहे से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए हनुमान मंदिर में समापन हुआ। उसी कार्यक्रम में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति पहले से विराजमान थी, अब उसके साथ शिव दरबार जिसमें भगवान शिव, गणेश और पार्वती जी की मूर्ति स्थापना की जा रही है। संयोजक सीपी दादू तिवारी एवं मुकेश तिवारी ने बताया कि आज 13 अप्रैल को कलश यात्रा निकाली गई, साथ ही 14 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे एवं 15 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा एवं हवन पूर्णाहुति की जाएगी। 15 अप्रैल को ही शाम 7 बजे विशाल भंडारा एवं प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। हनुमान मंदिर अम्बेडकर मंदिर का विस्थापन आपको बड़ा करने के लिए मंदिर यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि मकान नंबर 711 अम्बेडकर नगर हनुमान मंदिर को निकाली जा रही है, क्योंकि PNT होते हुए वापस अपने निवास पर। नाम बता दो अपना। मुकेश तिवारी। ये जो है कलश यात्रा है, भगवान गणेश जी, दुर्गा जी, शंकर जी और बजरंग बली की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो आज पहला दिन है कलश यात्रा के बाद जो उनका अभिवास होगा, जलाभिवास, कन्याभिवास और फूलाभिवास, उसके बाद जो है परसों उनमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा अम्बेडकर नगर से मकान नंबर जो है 411 से किसकी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा और किन किन मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है वहीं हनुमान जी के मंदिर में समाप्त।